पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय के सभागार में हिंदी सप्ताह के शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्वी दिल्ली से सांसद महेश गिरी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इनके अलावा उपमहापौर एवं हिंदी समिति के अध्यक्ष विपिन बिहारी, शिक्षा समिति के अध्यक्षा हिमांशी पांडे, हिंदी समिति की उपाध्यक्षा गुंजन गुप्ता भी मौजूद थी। इस समारोह में अतिरिक्त आयुक्त विवेक पांडे एवं आरसी मीना के अलावा अनेक पार्षद, अधिकारी और निगम कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर सांसद महेश गिरी ने हिंदी भाषा का गुणगान करते हुए कहा कि हिंदी भाषा का ज्ञान व अभिज्ञान होना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य ही नहीं, अधिकार भी है और इसके ज्ञान के बिना व्यक्ति जीवंत नहीं है। गिरी ने कहा कि विश्व के साथ खड़े रहने के लिए अंग्रेजी आवश्यक हो सकती है, पर विश्व में गर्व के साथ खड़े रहने के लिए हिंदी को अंगीकार करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी से हिंदी को कामकाज व व्यवहार की भाषा बनाने का आग्रह किया। विश्व के साथ खड़े रहने के लिए हमें अंग्रेजी चाहिए, ध्यान रखिएगा, विश्व के साथ खड़े रहने के लिए हमें अंग्रेजी चाहिए, पर विश्व में गर्व से खड़े रहने के लिए हमें हिंदी चाहिए। हिंदी सप्ताह, पहले तो मैं आज हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा सभी को। हिंदी सप्ताह नगर निगम में मनाया जा रहा है और राजकाज की भाषा में भी इसका उपयोग करें, ऐसा हमारे गृह मंत्री राजनाथ जी के उस पत्र को भी पढ़ा गया। मैं सभी से कहना चाहूँगा हिंदी भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बार बार हम हिंदी भाषा बोलते हैं पर कई बार अंग्रेजी शब्द अपने आप उसमें प्रवेश कर जाते हैं, हमें पता तक नहीं होता। इस देश के अंदर जब गाय याने काऊ सिखाया जाता था, अब काऊ याने गाय सिखाने जाने लग गया। हमारी अपनी भाषा धीरे 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 टूट रही है और अंग्रेजियत बढ़ रही है, तो ऐसे में राष्ट्रभाषा का सम्मान और उसकी पहचान बनी रही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं सभी को कहूँगा कि हिंदी भाषा का प्रयोग करें। प्रयास तो है, पर जैसे आपको पता है कि हमारा बहुत विविध भाषाओं का ये देश है। एक बहुत अच्छी बात है कि इसको राजभाषा का दर्जा मिला और राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद आज बहुत सारा कार्यकलाप हिंदी भाषा में भी होता है। अगर कोई अंग्रेजी संस्करण निकलता है तो साथ साथ हिंदी संस्करण भी निकलता है, तो सरकार के काम काजों में ये बोला गया है और बताया भी गया है, पर पूरे राष्ट्र की भाषा के लिए एक प्रयास चल रहा है, किसी दिन सफल होगा। इस मौके पर उप महापौर एवं कार्यक्रम के उपाध्यक्ष विपिन बिहारी ने बताया कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। उन्होंने समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों से हिंदी में कार्य करने तथा इस हेतु दूसरे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। हमारा देश मातृभाषा, हम अपने हिंदी को मातृभाषा कहते हैं, हमारा देश का मातृभाषा हिंदी है, इसलिए हम लोग हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। और मैं आज अपने EDMC में हिंदी दिवस मनाते हुए अपने लोगों को आह्वान किया कि जिस तरह से हम लोग हिंदी को अपनाने में शर्मसार न हो और अंग्रेजी को छोड़ करके हिंदी को अपनाएं और हिंदी को अपनी मातृभाषा को मानते हुए अपनी माता को बराबर, हिंदी को अपनी माँ के समान माने। इस मौके पर अतिरिक्त आयुक्त विवेक पांडे ने कहा कि भाषा देश को जोड़ती है। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा, संस्कार, संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए। इस मौके पर पांडे ने हिंदी की महत्ता को संबंधित केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का संदेश भी पढ़ा। वहीं अतिरिक्त आयुक्त RS मीना ने दिल्ली के मुख्य सचिव MS कुट्टी का संदेश पढ़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाषा देश को जोड़ती है और भाषा बहुत बड़ी चीज होती है। जब बच्चा बचपन में बोलना सीखता है तो सबसे पहली बार अपनी भाषा में बोलना सीखता है। बड़े बड़े लोग अंग्रेजी नहीं सीख पाते, लेकिन अंग्रेज के बच्चे बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। इसका कुल कारण ये है कि भाषा सीखने की एक उम्र होती है और जीवन पर्यंत उसी भाषा में व्यक्ति अपने को समझता है, उसी भाषा में उसके भाव आते हैं और उसी भाषा में वो अपने को अभिव्यक्त करता है। इसलिए ये एकदम स्थापित सत्य है कि
कि किसी बच्चे को जो उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है वो उसको जीवन पर्यंत याद रहती है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा में सदैव इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी उसके मूल रूप से उसका जो ज्ञान है उसका आधार उसकी मातृभाषा में निर्मित हो। कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया जिसमें कवि मंगल नसीम, पी के आज़ाद, महेंद्र शर्मा तथा सुल्तान अपनी अपनी काव्य रचनाएं साझा की। रंगों के नाम ग्रीन ब्लू रेड हो गए, बच्चों को पढ़ते देख के हम ग्लैड हो गए। कितनी तरक्की की है इस इंग्लिश के दौर में, इंग्लिश के दौर में, इंग्लिश के दौर में। माता तो हुई मोम, पिता डैड हो गए। हिंदी दिवस के विशेष मौके पर नगर निगम की पार्षद शिक्षकों ने बधाई देते हुए कहा कि हमें अपनी मातृभाषा पे गर्व है। मेरी तरफ से पूर्वी दिल्ली की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस के इस सब। आज से हिंदी दिवस का शुरुआत हुई है और एक सप्ताह चलने वाला है ये। मैं सभी देशवासियों को और अपनी खास करके पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लोगों को शुभकामना देना चाहूँगी कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस देश में और हमारी मातृभाषा हिंदी है। हम इंग्लिश की तरफ ना झुकाव जाके हिंदी की तरफ हमारा झुकाव होना चाहिए। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि उन्होंने अपने देश में जितनी भी कार्रवाई होती है एडमिनिस्ट्रेशन में वो सब हिंदी भाषा में हो, उसका जो उन्होंने एक ऐलान किया था उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। क्योंकि अक्सर लोग हिचकिचाते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें उसे बोलने में, उसे सुनने में गर्व होना चाहिए। मैं एक हाल ही में एक किस्सा बताऊंगी आपको कि मैं विदेश की यात्रा पे गई थी। मैं चीन, वियतनाम, भारत सरकार के डेलीगेशन पे जा चुकी हूँ। वहाँ पे मैंने देखा जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो वो लोग उस चीज़ का जवाब नहीं देते, वो सोचते हैं उनकी मातृभाषा सीखें। देश विदेश में सब लोग अपनी मातृभाषा को इतना मान सम्मान देते हैं तो हम क्यों नहीं। हमें अपनी हिंदी भाषा पे गर्व होना चाहिए और मुझे हिंदी भाषा बोलने में गर्व होता है। और मैं अपने स्कूलों में भले ही इंग्लिश मीडियम का सेक्शन करवा रही हूँ मगर हिंदी को मैं ज़्यादा महत्व देती हूँ। और हिंदी से मेरा खास प्रेम इसलिए है क्योंकि जब मैं टीचर थी तब मेरा सब्जेक्ट भी हिंदी था, तो जो हिंदी पढ़ने में आनंद आता है और जब हम उनके काव्य और ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि हम कोई जन्नत पढ़ रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि हमारी पूरे देश में आज पूरा देश भारत की तरफ एक उन्नति की ओर से देख रहा है। तो लोग अगर हमारे यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं तो हिंदी भाषा सीखें, तब हम सीखेंगे। क्योंकि जब हम दूसरे देशों में जाते हैं और जब हम शॉपिंग करते हैं तो हम जब चीज़ों को कम कराने के प्रयास करते हैं तो वो लोग हमें कैलकुलेटर पर लिख के देते हैं। मैं चाहती हूँ कि हिंदी को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया जाए, इतना आगे बढ़ाया जाए कि जिससे लोग हिंदी सीखने में मजबूर हो जाएं। चाइना में कई लोग हिंदी सीख रहे हैं, अगर हमारे यहाँ व्यापार करना है तो हिंदी सीखें। वियतनाम में कई लोग हिंदी सीखें, यूरोप में हिंदी सीखें। तो मुझे लगता है हिंदी को हम ही सब अपने देश में एक महत्व देके, एक संसार में जैसे इंग्लिश एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में है ऐसे हिंदी महत्वपूर्ण भाषा के रूप में उभर के आए। सबसे पहले मैं पूर्वी दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूँगी हिंदी दिवस के लिए और यही संदेश देना चाहूँगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जब हम हिंदी शब्द का उपयोग करते हैं तो हमारे मन में अथाह ही अपने आप ही तीन भाव उदित होते हैं अपने आप ही, एक तो भक्ति का, एक श्रद्धा का और एक प्रेम का। तो ये हिंदी जो शब्द है और जो हिंदी हमारी मातृभाषा है जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें अपनेपन का एहसास होता है। अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने पर एक दूरी का अनुभव होता है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आओ मिलकर हिंदी भाषा को उपयोग करें और इसको बढ़ाएं क्योंकि हमारी मातृभाषा ही हमारी अपनी भाषा है। हमारी जब हम अपनी किसी भी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उसकी हमें अथाह खुशी होती है। तो इस हिंदी भाषा को बढ़ावा दें, हम साथ में मिलें और खुशहाल भारत, खुशहाल देश तभी बनेगा जब हम हिंदी भाषा को ज्यादा से ज्यादा चारों तरफ उसको बढ़ावा देंगे। जय हिंद, जय भारत। समाज बना रहे हैं इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय 50 विश्वविद्यालयों में कम से कम ये भाषा सिखाई जा रही है। चाइना का सबसे ज़्यादा व्यापार इंडिया से होता है, चाइनीज़ बिजनेसमैन जो हैं वो हिंदी भाषा सीख रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उपाध्यक्ष होने के नाते समिति के माध्यम से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कुछ ऐसे ठोस कदम हमने अपने स्तर पर यहाँ EDMC में पूर्वी दिल्ली नगर निगम में उठाए हैं कि हम हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार अपने कार्यकाल में बहुत बहुत याद रूप से कर सकें।
हिंदी भाषा को प्रमोट करना सही रहेगा या नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कहूँगी। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा हमें मदद करती है खड़े रहने में, विश्व के साथ खड़े रहने में, लेकिन हिंदी भाषा हमें मदद करती है गौरव के साथ खड़े रहने में। हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर हम जापान के प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने यहाँ पर उद्बोधन अपना जापानीज भाषा में दिया है, उन्होंने हमारे लिए हिंदी या इंग्लिश में नहीं दिया है क्योंकि वो उनकी भाषा है। ऐसे ही हिंदी को, अगर हम हिंदी के अंदर प्राइड होल्ड करेंगे, हम हिंदी के अंदर अपना अभिमान लेंगे, अपने अहम के साथ हिंदी को बोलेंगे, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम कहीं पर भी जाएं, अनुवाद उसका ट्रांसलेशन इसलिए हो सकता है, उसमें हमें कहीं पर भी संवाद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, हिंदी दिवस पर सबसे पहले तो मैं सभी आपके जो दर्शक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये सभी से कहूंगा कि हिंदी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, और हिंदी में ही हमको अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि जिस भाषा के देश में आज 125 करोड़ की जनसंख्या है और जिसमें से करीब जो आंकड़े कहते हैं 70-80 करोड़ के आसपास हिंदी भाषा जानते हैं लोग, और हिंदी भाषा में यदि हम कार्य करते हैं तो गर्व भी करना चाहिए। अंग्रेजी तो दूसरा माध्यम है, अंग्रेजी एक सिस्टम अलग से हो सकता है, लेकिन जो कम्युनिकेट हैं, जो आपका भाषा हमको उपयोग में लानी चाहिए, वो हिंदी ही लानी चाहिए। तो जो हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, इतनी भाषा आसान है कि हमारी भाषा तो सब जल्दी से सीख लेते हैं, मगर हमें दूसरों की भाषा सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, और हमें अगर अपना हर काम हिंदी में करेंगे तो कुछ लोग जो नहीं समझ पाते, अभी भी गाँव के लोग या कुछ, तो वो इस हिंदी भाषा को जल्दी से समझ पाएंगे। हमें इसे अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो बच्चों के अंदर संस्कार वगैरह भी है, तो शुरू से जब बच्चा जहाँ भी रहता है तो अगर वो हिंदी में उसको बच्चों को ज्ञान होगा, तो एक देखिए सब्जेक्ट भी इन्होंने बच्चों के लिए हिंदी रखा है कि अगर बच्चे हिंदी को, बच्चों को अभी भी देखो इंग्लिश में बोलते हैं 21 क्या होता है, तो ये बच्चों के लिए अभी से दिक्कत हो जाएगी 31 क्या होता है। तो बच्चों को अपनी मातृभाषा का जरूर ज्ञान करवाना चाहिए, ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए।